गाय के आगे घास रखी हो वो खाती रहेगी, गाय के आगे से घास उठाओगे वो सिंह नहीं मारेगी। माननीय सुप्रीम कोर्ट की तरफ से 2014 में ऐसा कानून बना हुआ है कि जो रेड़ी पटरी वाला होकर जहां बैठा हुआ है पुराना, उसको बैठे देने दिया जाए। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एमसीडी को नोटिस दिया था, टोन बेंडिंग कमेटी बैठाओ, इन रेड़ी पटरी वालों का सर्वे करो, इन्हें जगह दो, फिर इन्हें हटाओ। लेकिन तो अंधेर नगरी चौपट आ जाए। 2014 के अंदर हम लोगों ने जंतर मंतर पर बैठ कर इस कानून को पास करवाया, हम लोगों के लिए एक नई किरणें आई कि हमें भी एक जीने का अधिकार मिलेगा। लेकिन अफसोस की बात, वो फाइल आज भी धूल झाड़ रही है। इस कानून के अंदर साफ साफ लिखा गया है कि पहले टाउन वेंडिंग कमेटी सभी वेंडरों का सर्वे करेगी, बायोमेट्रिक जानकारी लेगी, ताकि सभी वेंडर देश भर में तमाम जितने भी वेंडर हैं उनको पहचान की जाए कि यह समस्या कितनी बड़ी है। उसके बाद फिर टाउन वेंडिंग कमेटी जो है वेंडिंग जोन, नो वेंडिंग जोन घोषित करेगी, फिर उसके तहत जो है ना फिर वेंडरों को बिठाया जाएगा कायदे से, सलीके से। लेकिन मानने पर सुप्रीम कोर्ट को तो कोई मानता ही नहीं, यहाँ पर अंधा कानून हो गया है। सर कानून क्या गरीबों के लिए बना है, अमीरों के लिए नहीं है? अब हम लोग इसके लिए माननीय गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, दिल्ली सरकार, एमसीडी कमिश्नर, सब लोगों के पास अपनी फरियाद लिखित दे चुके हैं। लेकिन आज अन्याय हमारे साथ हो रहा है कि आज जो है माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश की आड़ में यहाँ के वेंडरों को जो हटाया जा रहा है। और ये कहते हैं यहाँ पे इंक्रोचमेंट हो रहा है, यहाँ जाम हो रहा है, पटरी से जाम नहीं होता है। पटरी वाला तो 2x2 या 2x3 का ठिया लगाता है। आज ये आप यहाँ देख ले कार कितनी बड़ी बड़ी खड़ी हुई है, नो पार्किंग जोन है, फिर भी गाड़ियाँ खड़ी होती हैं इनकी। 10 फीट लंबी कार खड़ी है, उससे दिक्कत नहीं है, पटरी लगाने से दिक्कत है। जो अपना परिवार चला रहा है, जो अपने बीवी बच्चों को पाल के खा रहा है। आज दो जनवरी से यहाँ से बिल्कुल स्ट्रीट वेंडर्स को बिल्कुल हटा दिया गया है। जो भी वेंडर दिखाई दे उसको आप थाने में बंद कर दीजिए या फिर उसका माल जब्त कर लीजिए, और 1350 रुपये उसको जो है पेनल्टी भुगतनी पड़ेगी साथ में। हमारे को दुकान लगाते थे, दुकान नहीं लगाने दे रहा। अब दुकान नहीं लगाएंगे तो हमारे आदमी, हम नहीं लगाएंगे तो कहाँ से खाएंगे, बच्चे छोटे छोटा कहाँ जाएंगे हम लोग को। मन इतने दिन हो गया, इतनी पुराने आदमी लगाने वाला, आज क्या है बंदे हम लोग को बोलते नहीं, लगाने नहीं देते, पता नहीं हम कहाँ जाएं, हमारी क्या मजबूरी है। उसकी मजबूरी का हल तो निकलना चाहिए मैडम, हम किस तरह से अपनी कमाने का कोशिश करें जो हमारे को कमाने नहीं दे दिया जा रहा है। इंकलाब जिंदाबाद, 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 रेड़ी पट्टी यूनियन की साझा मंच जिंदाबाद, 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 रेड़ी पट्टी यूनियन की साझा मंच की एकता जिंदाबाद। भी आज हाल ही की बात है कि यहाँ आपका न्यू लाजपत राय मार्केट में एक स्ट्रीट वेंडर ने आत्महत्या कर ली, उसके 4 छोटे-छोटे बच्चे हैं। और बड़े बड़े ऐड आते हैं, उनका टीवी पर न्यूज आते हैं, जैसे सबके साथ है, सबके विकास है, गरीबों को हम साथ है, तो गरीबों को यही साथ है जो जीने नहीं देते, रोटी खाने नहीं देंगे, मार देंगे। बड़े बड़े लोगों ये कार लगा रखे हैं, नो पार्किंग, बड़े बड़े अंधा लोग भी देख लेगा जो नो पार्किंग लिखा हुआ है, उनको तो कार लगा हुआ है, लेकिन गरीबों को रोटी नहीं खानी है। ऊपर हम लोग छोटी दुकान लगा के बैठे हैं तो उसको प्रॉब्लम हो रहा है, लंबी लंबी कार लग रहा है, 2-4 कट्टे हम लोग लगाते हैं उसमें, उसको प्रॉब्लम हो जाती है, पुलिस वाले आते हैं हमारे माल फेंक देते हैं, ये कर देते हैं। ये प्रॉब्लम कहाँ खड़ी हुई है? फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट FDI, जो प्रत्यक्ष जो आप पूंजी का निवेश करा रहे हैं विदेशियों का, ये उससे प्रॉब्लम खड़ी हुई है। सरकार विदेशियों को बुला रहे हैं कि आप यहाँ परचून का जो धंधा है ये आप आकर के करिए। चाहते क्या है कि जैसे निजामुद्दीन स्टेशन पर एक मॉल्स बना दिया है अंदर उसके स्टेशन की प्रीमिसेस में, इसी तरह से ये मॉल्स बन जाएं, ये रेडी पटरी वालों को खदेड़ दो, इनका इनकी कोई जरूरत नहीं, ताकि हमारा देश लगे कि बहुत खुशहाल है। अरे जब चेहरे पर मुस्कुराहट किसी के नहीं है, बेरोजगारी है, लोग बेरोजगार हो रहे हैं, कारखाने बंद हो रहे हैं, हम बेरोजगार घूमने, हमारे घर में खाने पीने और बच्चों की फीस के लिए बहुत दिक्कत हो रखी है। माननीय सुप्रीम कोर्ट तक हम गरीब कैसे जाएं? माननीय सुप्रीम कोर्ट के वकील की लाखों रुपए फीस है, हम रेड़ी पटरी वाले कहाँ जाएं सुप्रीम कोर्ट? हमारे पास करोड़ों रुपया होता तो हम पटरी पे बैठते ही क्यों? हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं, आज वो स्कूल पढ़ने से स्कूल से निकाल दिया गया है क्योंकि उनकी फीस नहीं भरी हमने। एक रिक्वेस्ट है बस, हम सबकी रोजी रोटी चलनी चाहिए बस। बंद करो, बंद करो, रेड़ी पट्टी वालों के साथ देना होगा।
आज मैं मोदी जी से पूछना चाहता हूँ, कौन सी महंगाई दर गिरी? आटे के रेट घटे, दाल के रेट घटे, किसके रेट घटे? आप बाहर से बड़ी बड़ी कंपनियां बुला रहे हो, आओ इंडिया के अंदर आओ, और इंडिया वालों को भूखा मार रहे हो मोदी जी। 70 साल इसको आजादी हो चुके, लेकिन अफसोस की बात, बड़े दुख की बात मुझे ये कहना पड़ रहा है कि अपनों के हाथों हम गुलाम हो रहे हैं। मोदी कह रहे थे हम गरीबों के साथ देंगे, गरीबों का विकास करेंगे, किसी का साथ नहीं। जब भी साथ हो रहा है बड़े बड़े लोगों का साथ हो रहा है, गरीब का कोई नहीं सुनने वाला है। पहले पटरी लगती थी 15-26 जनवरी को हटती थी, अब तो पूरे दिन हटते सारे दिन। बिगर नोटिस दिए, ना कोई खबर किया, ना कुछ बोला। 3 बजे रात को गाड़ी आई थी, करीब 25-30 गाड़ी आई थी, बुलडोजर लेके आए थे और बिल्कुल चढ़ाते हुए चले गए सारे सामान पे बुलडोजर। 4 बजे सुबह में ही काम किया इन लोगों ने, लोग सोए हुए थे, जाके ठेले पे सोए रहे थे अपने दुकान के आगे, किसी को बोला ना चला, बुलडोजर इधर से भी और दोनों साइड से बुलडोजर चढ़ाया है। तो और हम लोगों को हटा के गाड़ी लगा दिए हैं, बताओ गाड़ी से क्या पेट भरेंगे हमारे को? हम लोग कमा रहे वो सही है, गाड़ी लगा रहे वो सही है, वो तो है ही, ऑलरेडी पैसे वाले है, मार्केट है, करोड़ों की दुकान है, करोड़ों की मकान भी होगा, हम लोग को तो कुछ नहीं है। हमेशा ही क्रांतिकारी विचारों ने सरकारों को उखाड़ फेंका है और अब भी ये हालात बन चुके हैं।